आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से और आपके ही कमेंट की वजह से मेरे को अपने ही चैनल में अपना ही वीडियो बनाने के लिए परमिशन मिल चुकी है हमारे हिंदुस्तानी भोखारी भैया से, मिल चुकी है मेरे परमिशन। मैं आज का वीडियो बनाऊंगा। मैं भी हूँ बेटा, मैं भी हूँ, ऐसा मत समझो, तुम ही हो, मैं भी हूँ। बिल्कुल भोखारी भाई, बिल्कुल बने रहिए। देखिए आज मैं कैसा रोस्ट करता हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो हेलो दोस्तों, की हाल चाल, स्वागत मेरे चैनल रोस्टिकर में। आज जिसके ऊपर वीडियो में बात करने जा रहा भाई साहब, वो इतनी गालियां देती, गाली दे दे के सड़ा देगी तुमको, इतनी गालियां देती है। और जब मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अगर उसने मेरा ये वीडियो देख लिया ना, तो मेरे को भी इतनी गाली देगी ना भैया, हक देगी पूरी गालियां मेरे ऊपर। बेस है आपके सामने गाली करो उसकी, इंस्टा क्वीन जिनकी लाइफ है विदाउट मीन एंड लेक्सी। तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करते, यही बोलने वाले डल्ले हर किसी से लगे रहते हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हम लोग दल्ले हैं, ऐसा ऐसा नहीं कहना चाहिए मोहतरमा। हम लोग दल्ले होंगे तो हम सब लड़के दल्ले होंगे तो भाई क्यों मारा भाई, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं तो दे ही रहा था, वीडियो तो बना ही रहा था ना भाई, मार क्यों दिया। हाँ तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तू उसे समझा रहा है जो तेरे को दल्ला बोल रही, लड़कों को दल्ला बोल रही, तू उसको समझा रहा है। ठीक है आप ही कर लो। तेरे को मैं बताता हूँ ऐसे लोग को जवाब कैसे देना चाहिए। क्या बोली तू, क्या बोली, लड़कों को दल्ला बोली? अरे बिना फेफड़े की नागिन मेरी बात सुन, लड़कों को दल्ला बोली है, वैसे भी तेरी लाइफ में दल्ला ही आने वाला, समझी ना, समझ ले तू, एक मेरी बात सुन ले, तेरी लाइफ में दल्ला ही आने वाला, मेरे जैसा अच्छा लड़का तेरी लाइफ में आ भी नहीं सकता, ये बात तू अपने दिमाग में बैठा ले अच्छे से। Okay. और खुदा ना खास्ता लाइफ में कोई तेरे को अच्छा लड़का मिल गया, वो भी तेरे साथ रहेगा ना एक दिन, वो दूसरे दिन दल्ला बन जाएगा, क्योंकि भैया कहते हैं संगति का असर बहुत ज्यादा होता है, और तेरे साथ हो जाएगा वो पक्का ही दल्ला बन जाएगा। तो बेटा बुजुर्गों की बातें सुना करो, जो तुम सुनते नहीं होगे मेरे को पता, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूँ, बुजुर्ग कह के गए जब खुद के घर ना कांच के हो तो दूसरे घर में अधाई ताली फेंके जाते, वरना वो कांच के शीशे तुम्हारे घर में लग जाएंगे आप, समझे। शक्ल तो देखो सूखी भिंडी की, और एटीट्यूड इतना, अबे जल्दी अच्छे से रोस्ट कर, नहीं तो तेरे को तुम्हें अभी तोड़ डालूंगा अच्छे से रोस्ट करा के। सब अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के। मादरचोद निकल, मादरचोद के बच्चे, मादरचोद के बच्चे। लोग कहते हैं लड़कियां गाली नहीं देती, इसकी देखो गाली की बौछारे लगाए, और फिर भी लोग कहते हैं कि लड़कियां गाली। भाई अब क्या हो मेरे भाई, क्या हुआ? वो लड़कों गाली दे रही हो, तुझे ज्ञान पिला रहा है, ज्ञान पिला रहा है, रोस्टिंग चैनल खोल के ज्ञान पिलाएगा उसको, ज्ञान देगा, एजुकेशन चैनल खोलने जाके रोस्टिंग चैनल में तू कैसे जवाब देना चाहिए सीख मेरे से। तू अपने लक्ष्य से बाज नहीं है कि छपरी चोरी, क्या कह रही है बार बार लड़कों को, तो एक बात बता मोहतरमा, मोहतरमा ने छपरी छोड़ी, एक बात बता कि क्या तू बिना ही माँ, समझ गई होगी आगे क्या कहना चाहता हूँ, समझदार के लिए सारा काफी है। छपरी छोरी जो तू समझ रही है कि लड़कों को गाली दे रहा है, बड़ा कूल का काम कर लिया, बड़ा कूल का काम कर लिया, तो कूल का काम कुछ नहीं किया बेटा, जिस दिन हम लड़के ऐसे करने लगे तो बुरा लगने लगेगा तुमको, समझे। तो भाई मैटर संभाल के किया करो, कि अगर हम लोग चालू हो गए तो फिर मैटर खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए गाली देने पहले किसको दे रहे हैं, किस बात पे दे रहे हैं, लॉजिक वाली बात होगी तो सुन लेगा लोग, बिना लॉजिक वाली बात करोगे तो सुना देगा लोग, अगर अपने कमेंट यकीन ना हो तो अपने कमेंट देख लो जाके। बेटा तेरा चैनल है ना, मैंने इसको अभी हिंदी भाषा में नहीं समझा, नहीं तो मैं इसको अभी हिंदी भाषा में समझा दूंगा तो एकदम तुरंत इंस्टा छोड़ के भाग जाएंगी। तेरी भाषा में समझाया है तो अच्छे से समझा ले आके, नहीं तो मैं अभी बहुत बुरी तरह समझा दूंगा, समझा ले आके। कभी कभी खामोशी का मतलब माचदाव बीसी होता है। अच्छा तो ऐसी बात है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, तो इसी बात में मैं भी आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। तो जवाब मिल गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। आजकल का रिलेशनशिप तो दो दिन के रंडी रोने में और चार दिन तक अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए सोने में निकल जाता है। मादर चोद के बच्चे, सबको अपनी तरह समझो का। ये तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बल्कि घंटी दबाना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। और हर हर यार को लव यू ऑल भैया, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन भैया इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना जाके यार, कर लेना, बस कर लेना।